नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। वीरों की साधना के बारे में बहुत सारी बातें आपको इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती होंगी। बहुत सारे मंत्र यंत्र तंत्र भी बताए जाते हैं। सबसे पहले अगर कोई आपको वीर साधना दे रहा हो तो उसके हाथ पर आपको देखना चाहिए कि वीर कंगन है कि नहीं। जिसके हाथ में वीर कंगन होता है वो अधिकृत होता है वीर साधना के लिए, या उसने वीर साधना की हो ऐसा एक प्रमाण मिलता है। आज जो मैं आपको वीर साधना दे रहा हूँ और जो वीर साधना जो मैं अपने शिविर में बताने वाला हूँ, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक 52 वीर होते हैं। बड़ा गूढ़ बात बता रहा हूँ, ये आपको शायद कोई और ना बताए, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो 52 वीर होते हैं वो और जो वीर होते हैं वो दोनों अलग हैं। जब मैं बोलूँ वीर साधना और जब मैं बोलूँ 52 वीरों में से एक की साधना, तो दोनों में अंतर होगा। 52 वीर भैरव बाबा के सेवक हैं, जिनका राजा नरसिंह वीर है, और वो 52 वीरों को बैठाया जाता है उस कंगन में, या फिर जो उनके राजा हैं वो उसमें बैठते हैं। अलग अलग वीरों की साधना होती है अलग अलग शक्तियों के लिए। जैसे अगर मारण करना है या कोई बहुत ही गंभीर तंत्र करना है तो उसके लिए रक्त पिपासी वीर होते हैं। तो आपने जिस पर वो वीर चला दिया उसका शरीर का जो चमड़ा है वो फट फट के खून निकलेगा और वो दर्दनाक मौत मरता है, इतना खतरनाक होता है। और वीर की खासियत क्या है? वो किसी की बात नहीं मानता, ना वो देवता से उसको भय है, ना उसको दानवों से भय है, ना उसको प्रेत से भय है, वो उसको किसी से भय नहीं है। सिर्फ वो भैरव बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। तो वो एक 52 वीर की साधना हो गई, जो मैंने बोला कि वो मैं अपने मतलब अपने सानिध्य में आप लोगों को कराऊंगा। उसके अलावा एक और वीर होते हैं, वो वीर जिनको वीर बनाकर स्थापित किया जाता है। जैसे कि जो राजस्थान गुजरात क्षेत्र के लोग होंगे, नॉर्थ में भी बहुत जगह पे वीरों को स्थापित किया जाता है। एक बहुत फेमस वीर है जो बुलेट वाले वीर जी हैं, ऐसे बहुत सारे वीर होते हैं। जो ईस्ट इंडिया वाले हैं इनके लिए वीर का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म देवताओं का स्थापना होता है। जैसे ही कोई बहुत शक्तिशाली कुवारा तांत्रिक ब्राह्मण ऐसा किसी का अगर देहांत होता है तो उसको एक स्थान दिया जाता है और उसको ब्रह्म देवता बोला जाता है। और इस ब्रह्म देवता के पास सारा गांव नतमस्तक रहता है, और किसी का भी कोई काम रहता है तो ये बिल्कुल साक्षात देवता होते हैं जो आपका काम करता है। ऐसे ही वीर भी होते हैं। तो 52 वीरों में और जो वीर साधना आज दे रहा हूँ इस वीर में अंतर है। ये वो लोग होते थे जो सच में वीर होते थे और वो वीर गति को प्राप्त हुए, मतलब उनका नेचुरल डेथ नहीं होने के कारण उनको एक स्थान दिया जाता है और वो लोगों की सहायता करते हैं। तो वो वीर साधना आज मैं आपको दे रहा हूँ। कैसे करना है इस वीर साधना को? इस वीर साधना को करना है जो उगता हुआ सूरज हो, मतलब जब अमावस्या हो और अमावस्या के बाद पूर्णिमा की तरफ जो चंद्रमा है वो बढ़ रहा हो, वैसे समय में किसी बृहस्पतिवार को आपको दिन भर का उपवास रखना है। ठीक है, दिन भर का उपवास रखने के बाद जो उपवास व्रत आप तोड़ेंगे रात में तो वो आपको खीर खा करके तोड़ना है। ऐसा करके आप 2 घंटे मौन व्रत में जाएंगे, मध्य रात्रि में आप या फिर मध्य रात्रि से 5 मिनट पहले स्नान करेंगे और लाल कपड़ा पहनेंगे, लाल वस्त्र पहन के ये साधना होता है, और लाल आपका आसन भी होना चाहिए। लाल वस्त्र पहन करके आपको जो दूसरा काम करना है वो है इत्र लगाना है। इत्र लगा करके रूमी सिंगर्फ आता है, रूमी सिंगर्फ एक जड़ होता है या फिर एक वो एक वाणिज्य है जो आपको किसी भी इत्र के दुकान पे, पूजा के दुकान पे, औषधि के दुकान पे कहीं भी मिल जाएगा। उससे
आपको एक अपने चारों तरफ घेरा खींचना है, ठीक है? उस घेरा को खींच करके उसके अंदर आप बैठ जाइए। एक मीठा पान का पत्ता बनवा के पहले से रखिए और उसमें एक लौंग डाल दीजिए, मतलब लौंग से उस पान का बंधन होना चाहिए, उसको घोप दीजिएगा उसमें, और उसको सामने प्रसाद के रूप में रखिएगा। उसके बगल में 4 इलायची और 8 लौंग के दाने और कुछ जो है सुपारी, वो वहां पर पूरा रखिएगा बिना काटे हुए। एक दीपक जलाइएगा घी का, कुछ धूप जलाइएगा, अगरबत्ती मत जलाइएगा, धूप जलाइएगा, और अपने सर को बांध लीजिएगा, ठीक है? और ध्यान करके जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ उस मंत्र का जाप करिएगा। मंत्र मैं आपको 3 बार बोलूंगा और 3 बार मैं आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मंत्र है, जब तारा तूरी स्वाहा, जब तारा तूरी स्वाहा, फिर से सुनिए, जब तारा तूरी स्वाहा। इसका आप लोग 5,000 जप कीजिएगा। अगर आपने सब कुछ सटीक किया तो इसके बाद जिस भी वीर को आप बुलाना चाहते हैं उस वीर का आपके सामने आगमन होगा। जो भी आपको कर्म उस वीर से करवाने हैं, जो भी आपकी मनोकामना है उस वीर को बताइए और वो वीर आपका काम कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी साधना और सुरक्षित साधना है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप लोग घर में इस साधना को ना करें। अब फिर वापस आते हैं हम लोग वीर साधना पर। हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है वीर साधना का, वो इस अमावस्या के बाद मैं शुरू करूंगा, जिसमें कि उस 51 दिन में मैं आप लोगों को जो आपका बंधन है, जो वीरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, भैरव की साधना बहुत ज़रूरी होती है, और फिर नरसिंह वीर की साधना वीर कंगन के साथ आप लोगों को मैं प्रदान करूंगा। इसके अलावा मैंने एक 10 दिन का प्रोग्राम ऐसा भी रखा है जिसमें कि 41 दिन आप घर पे साधना करोगे और जो बाकी का 10 दिन है जिसमें वीर साधना होगी वो 10 दिन आप मेरे साथ करोगे, तो हवन और रोज की बलि वो हम लोग साथ मिलकर देंगे। मेरे सामने करोगे तो कुछ ऊंच नीच होगी तो वो भी देखने के लिए मैं बैठा रहूंगा, क्योंकि वीरों की साधना में बहुत खतरा होता है और बहुत तरह के जीव जंतु जो होते हैं, जो पराजीव जंतु होते हैं, वो आप पर अटैक कर सकते हैं। वो 52 वीरों की मैं बात कर रहा हूँ। इस वीर की साधना में बिल्कुल शुद्ध साधना है, बहुत लालच मत करिएगा अगर वीर आ जाते हैं तो, और बिल्कुल ही शांत मन से जो बहुत ज़रूरत की चीज़ हो वही मांगिएगा, क्योंकि वरना ये वीर चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं अगर आप किसी का अहित करने के लिए इनको बोलते हैं या उकसाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बोलूँगा जिनको 52 वीर की साधना करनी है वो जल्द से जल्द मुझसे बात करें। आप सभी पर वीरों की कृपा बरसती रहे, वीर आप लोगों को सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, ऐसा मेरा कामना है। नरसिंह वीर का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आप साधना मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बेसिक साधनाएं मैं सिखाता हूँ, उससे आप जुड़ सकते हैं। अभी एक साधना शिविर होने वाला है, अगर आप साधना करते हैं तो 1 से 3 तारीख रात तक एक साधना शिविर है शिवपुरी में, उसमें आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz। इसके अलावा मेरी एक किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो आप खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर आपको भूतों में इंटरेस्ट है डायरेक्ट फ़ोन करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप ऐप स्टोर से, या फिर वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। रुद्रनाथ आपको उसमें नाम मिलेगा, आपको कॉलिंग ऑप्शन मिलेगा। बहुत अर्जेंसी हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों का जो भी समस्या होगी कीलन से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।